गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स, मेरा नाम तन्वी मिश्रा है और आप सभी का स्वागत है आज के गुरुशाला संवाद में। आशा करती हूँ कि आप सभी हेल्दी हैं, सेफ हैं ड्यूरिंग द करेंट टाइम्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी दैट गुरुशाला इज एन इनिशिएटिव ऑफ इंडस टार्स एंड वोडाफोन इंडिया फाउंडेशन विद जिज्ञासा एज अ कॉन्टेंट पार्टनर एंड इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाय प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। सो आज के संवाद का जो विषय है वो कुछ इस प्रकार से एनर्जाइजर्स फॉर ऑनलाइन क्लासरूम्स। हमने अधिकतर ये देखा है और कई टीचर्स ने हमारे साथ ये शेयर किया है कि ऑनलाइन क्लासरूम में बच्चों का जो एंगेजमेंट है, बच्चों का जो इंटरेस्ट है, उसे बरकरार रखना एक काफी चैलेंजिंग टास्क है। और उसी के साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासरूम को किस तरह से इंटरेस्टिंग और फन बना सकते हैं उसके ऊपर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं एंड आई विल ब्रिंग हर टू द स्क्रीन। अ वेरी वॉर्म वेलकम निकिता एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस इन टुडेज सेशन। सो निकिता, मिस निकिता सिंगल इज द फाउंडर ऑफ अ बेटर लाइफ एंड दिस इज अ यूट्यूब चैनल जिसमें कई तरह के टीचिंग ट्रिप्स एंड स्ट्रैटेजीज के बारे में डिस्कशन की गई है। सो निकिता, थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड द स्टेज इज ऑल योर्स नाउ। ओवर टू यू। थैंक यू तन्वी फॉर सच ए वॉर्म वेलकम। और आप सब का वेलकम है आज के सेशन में। ऑल द टीचर्स, आज के सेशन के अंदर हम लोग कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग देखेंगे कि कैसे हम अपनी क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाएं। ये हम सब ने देखा होगा कि जब से मोड चेंज हुआ है टू ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहते हैं और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। क्या आपने कभी ये देखा है कि जैसे आप पढ़ाने लगते हैं उन्हें, उनके क्वेश्चंस आने कम हो जाते हैं, वो ध्यान देना कम कर देते हैं, और जब आप उनसे क्वेश्चन पूछिए तो क्या होता है, कुछ उनको समझ नहीं आ रहा होता और वो कहीं और ही फोकस कर रहे होते हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम के साथ डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल एंड सेफ। तो आज के सेशन के अंदर मैं आपको एक फैक्ट बताने वाली हूं, और वो ये है कि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च बाय 2030 ऑलमोस्ट 20% ऑफ जॉब्स खत्म हो जाएंगी। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इन जॉब्स को टेक ओवर कर लेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी कुछ ऐसी जिससे कि लोगों की जरूरत कम हो जाएगी, और सिर्फ उन्हीं लोगों की जरूरत होगी जो अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, राइट? तो हम एज अ टीचर्स इनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम स्टूडेंट्स को ऐसे बड़ा करें या ऐसी एजुकेशन दें जिससे कि वो स्पेशलिस्ट बन पाए। अब आप पूछेंगे कि स्पेशलिस्ट होता क्या है? तो स्पेशलिस्ट का मतलब है कि कोई भी चीज को जो एक डीपर लेवल में समझना चाहे, वही एक स्पेशलिस्ट है, जिसके पास डीपर नॉलेज हो किसी चीज की, डीपर एक्सपीरियंस हो। और वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि अगर वो किसी भी टॉपिक को देख रहा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो उसको डीपली समझे। तो उसके लिए नॉर्मल ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग हेल्प नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है? हमें अपने तरीके को बदलना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। निकिता, हम स्लाइड को एक बार लोड कर लेते हैं और दोबारा से एक बार प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सो तब तक टीचर्स, हम चाहेंगे कि आप चैट सेक्शन में ड्यूरिंग द सेशन हमारे साथ आपके जो भी सवाल हो, जो भी सुझाव हो, वो ड्यूरिंग द सेशन शेयर करते रहें। हम आपके सभी सवालों को सेशन के अंत में लेंगे और हम आशा करते हैं कि आज का सेशन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। यस निकिता, लेट्स गो।
तो अब आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि पहली पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? द ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर, उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? क्या कोई बताना चाहेगा? और सेकंड पिक्चर के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ऑलराइट, तो ये ऐसी पिक्चर्स हैं जो आपको एक से ज्यादा चीज दिखा रही हैं। मतलब कि रियलिटी सिर्फ एक नहीं हो सकती, रियलिटी कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। मतलब कि अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें यही सिखाएं कि इस चीज के लिए सिर्फ यही सही है। आप जब भी इंफॉर्मेशन उनको पास ऑन करते हैं तो हमेशा उनके लिए ये फ्रीडम होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अलग अलग चीजें एक्सप्लोर कर सके, अपने माइंड को प्रॉपरली बता सके बिना डरे, बिना हिचकिचाए कि अगर मैंने गलत बता दिया तो क्या होगा, इसका आंसर तो यही होना चाहिए। ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स कि वो अपने आइडियाज को आगे रखे। हो सकता है कि हमें यहाँ टू फेसेस दिख रहे हों और वहां पे स्टूडेंट को यहाँ पे एक ग्लास दिख रहा हो, दोनों सही हैं, पर क्या हम उन्हें उतनी फ्रीडम देते हैं क्या? सेकंड पिक्चर के अंदर अगर हम देखें तो उसके अंदर दो बर्ड्स भी बच्चे, हो सकता है दो बर्ड्स देखे या कुछ हो सकता है उसे लीव्स देखे। मतलब कि इतनी फ्रीडम देना कि जो आपके माइंड में है वो आप खुलकर कह सके। फ्रीडम ऑफ डूइंग मिस्टेक्स, यस एब्सोल्युटली राइट अजय जी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ऑल्सो क्या आप जानते हैं कि आज हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम शायद हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीजें यूज करते हैं, पर ये भी तो एक आइडिया से ही आई है। और अगर उन लोगों ने इतना करेज नहीं किया होता कि अपने आइडिया के ऊपर वर्क करें, तो आज शायद हम उन चीजों को ना देख पाते, क्योंकि उन्होंने अपने आइडिया पे इतना विश्वास था इसीलिए वो चीजें क्रिएट कर पाए। मतलब अगर सोचा जाए तो सोचिए कि ओयो जैसी कंपनी जिसके अंदर उन्होंने कुछ नहीं खरीदा, होटल रूम कुछ नहीं खरीदा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घरों के अंदर उन्होंने बना दिया। देखा जाए तो ओला उबर जैसे, क्या है ये सिर्फ आइडियाज है जिसपे लोगों ने करेज किया उनको अप्लाई करने का रियल लाइफ में। एग्जैक्टली उसी तरह आपको, और दिस इज बिकॉज अगर आप बच्चों को अभी से वो करेज देंगे कि वो आइडियाज को एक्सप्लोर कर पाए, इनोवेटिव हो पाए, तो वो भी फ्यूचर में जाके लीडर्स या इनोवेटर्स बनेंगे। और वही हम चाहते हैं कि क्लासेस के अंदर हो, पर क्वेश्चन उठता है कि वो हम करेंगे कैसे। तो क्या आप मुझे टीचर्स बता सकते हैं कि आप कैसे करना चाहेंगे वो क्लासेस के अंदर? मैं आपके सुझाव जानना चाहती हूं कि आप कैसे क्लासेस के अंदर इनोवेशन लाना चाहेंगे, कैसे चीजों को नए तरीके से कराना चाहेंगे, कैसे ये ना हो कि बच्चे क्लासेस से दूर भागे, बट इंस्टेड वो चाहे कि हम कैसे क्लास को अटेंड करें, हम क्लास को मिस नहीं करना चाहते। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहेंगे टीचर्स? तो अब रियल प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये है कि बच्चों का जो अटेंशन होता है वो होता है जस्ट लाइक अ गोल्डफिश। गोल्डफिश का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है। अगर आप किसी 2 ईयर्स ओल्ड को पढ़ा रहे हैं तो उसका अटेंशन होगा 4 to 6 मिनट, 10 ईयर ओल्ड का सिर्फ होगा अटेंशन 20 to 30 मिनट्स। उसके बाद अगर आप उन्हें कुछ पढ़ा रहे हैं तो वो उनके दिमाग में नहीं जा रहा है, दे आर नॉट बीइंग प्रोडक्टिव।
12 years का है 24 टू 36 मिनट्स, तो क्या आपको लगता है कि 45 मिनट्स की क्लास के अंदर जो आप पढ़ा रहे हैं क्या उनको सब समझ आ रहा है? नहीं। सो नंबर वन प्रॉब्लम है कि एक तो बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। नंबर सेकंड प्रॉब्लम है कि घर पर एक वो स्टडी का एनवायरनमेंट नहीं होता। जब स्टडी का एनवायरनमेंट ही नहीं है, इधर से किचन की आवाज आ रही है, उधर से अगर आपके सिबलिंग्स खेल रहे हैं, इधर से पेरेंट्स ऑफिस कॉल्स और घर का काम चल रहा है, सो इमेजिन करिए कितना मुश्किल है एक बच्चे के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाना और कितना डिस्ट्रैक्टेड फील करेगा वो बच्चा। तो अब हमें करना क्या चाहिए? सो सबसे पहली चीज है कि हमें अपनी क्लास के अंदर एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व करना चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे कुछ छोटे छोटे रूल्स आपको अपनी क्लास के लिए रखने होंगे कि आपको मेंटेन करना है प्रॉपर पोस्चर, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, जब भी क्लास में आए तो क्लास का एक पर्टिकुलर टाइम है उतने पर ही आए, उसके बाद उनको एंट्री नहीं मिलेगी 5 मिनट्स और 10 मिनट्स के बाद। नाउ दे हैव टू सिट ऑन अ चेयर रादर देन बेड पे आराम से पजामा एंड योर नाइट सूट्स पहन के इफ दे आर सिटिंग, दैट इज नॉट अलाउड। नंबर वन दिस, जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा क्लास का तो स्टूडेंट्स भी रिस्पेक्ट करेंगे उस स्ट्रक्चर को। नंबर सेकेंड, अब आप बहुत हार्ड नहीं हो सकते स्टूडेंट्स पे, यू नो यू हैव टू कैच देयर अटेंशन। और वो कैसे करेंगे? हमें क्रिएटिविटी डालनी होगी। क्रिएटिविटी कैसे डाल सकते हैं? वी हैव टू इंट्रोड्यूस प्रॉप्स। नाउ व्हाट आर प्रॉप्स? फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आज आप सब लोग घर से डाइस लेकर, मतलब आप अपने साथ डाइस रखेंगे और डाइस को रोल करेंगे, और रोल करके जितना नंबर आएगा उतना नंबर क्वेश्चन आपको आंसर करना है, या आप हर थोड़ी देर में उनसे क्विज करेंगे, राइट? तो ऐसा करने से उनका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर बढ़ जाएगा। जब इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है तब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंजॉय करने लगते हैं क्लास को। और स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? स्टूडेंट्स को चाहिए कि क्लास मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, कि मतलब एक ही चीज को टीचर बहुत सारे वर्ड्स के अंदर समझाने की कोशिश कर रही है। एज अ टीचर हमारा मोटिव होता है कि हम सब कुछ पढ़ा दें, बट एज अ स्टूडेंट अगर मैं देखूं तो हमें लगता है ये टीचर इतनी देर तक क्यों बोल रही है। मतलब आई लव टू लेक्चर बट शायद स्टूडेंट्स डोंट लव दिस, राइट? तो अगर जो रिसीव कर रहा है वो ही रिसीव नहीं कर रहा तो फायदा क्या है मेरे बोलने का? तो मुझे अपने पूरे लेक्चर को अलग अलग तरीकों से उनको सर्व करना है, राइट? नाउ हो गया पोलिंग। पोलिंग होगा क्वेश्चंस वेयर इन उनको बस ये बताना है कि व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है? अब हम उनसे इतने इजी क्वेश्चंस पूछे अपने सब्जेक्ट रिलेटेड या जो हमने अभी पढ़ाए हैं कि वो उसका आंसर एकदम ऐसे दे दे। अब आप बोलेंगे इतने इजी क्वेश्चंस पूछने का फायदा क्या है? इट इज जस्ट अ वे कि जिससे वो रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? हमें उन्हें ये बिल्कुल फील नहीं कराना इस स्टेज पे कि अरे उन्हें पता ही नहीं हमने तो कितना सारा पढ़ा दिया, वो ध्यान से सुन ही नहीं रहे। पर ये होने चाहिए इतने इजी कि वो बहुत जल्दी से पता कर ले। अभी क्या टाइम हो रहा है? मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, नाइट है, मतलब यू गेटिंग इट कि कितना इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन मैं बोल रही हूं? उतना इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक। ऑलराइट, नाउ थर्ड थिंग इज स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच। टीचर ओरिएंटेड अप्रोच हमने करके देख ली, इट वर्क्स बट नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट रिलेटेड अप्रोच, और वो क्या होगी? लर्न बाय डूइंग। अब अगर मुझे उन्हें एक सिंपल चीज भी सिखानी है, अगर मैं उससे रिलेटेड उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट दूं कि ये आपको घर से ढूंढ के आना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन देती हूँ। अगर मुझे एक 5 साल के बच्चे को काउंटिंग सिखानी है या काउंट करने की आदत डालनी है, तो मैं उसे एक बहुत ईजी प्रोजेक्ट दूंगी कि अपने घर पर जाओ और काउंट करो आपके पास कितने टी शर्ट्स है, अपनी कबर्ड खोलो, कितनी टी शर्ट्स है, कितनी शॉर्ट्स है, कितनी सॉक्स है, कितनी
आपके पास कपड़े हैं वो सारा लिख कर लाओ। तो ए वो काउंटिंग सीख रहा है, बी वो कुछ करके देख रहा है। जब वो खुद करते हैं बच्चे, जब वो खुद इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज के अंदर, इज व्हेन दे लर्न। सो इस चीज को जरूर ध्यान रखिए कि आप उन्हें ऐसे लर्न कराएं जिससे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो, ठीक है। नंबर सेकंड, क्लास के अंदर जितने ज्यादा बच्चे हो सके उतने बच्चों को इन्वॉल्व करें। डोंट कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस ओनली फ्रॉम द टॉपर्स। इन्वॉल्व एवरी स्टूडेंट, सबका पर्सपेक्टिव जानिए एंड ऑल्सो लर्न बाय डूइंग। तो चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर आप सबको क्या करना है, यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड आपको जाना है एक बहुत खुली सी जगह है वहां पर, वहां पर जाकर एक बहुत बड़ी सी नदी है, ठीक है। उस नदी के अंदर से आपको पानी भरना है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या आप सबने ये इमेजिन किया, अब आप मुझे बताइए कि आपने पानी किस चीज में भरा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपने उस नदी से किस चीज में पानी भरा। Can I have some answers here? Comment section में मुझे बताइए कि आपने किस चीज में पानी भरा उस नदी से। हो सकता है किसी ने बॉटल में भरा, किसी ने मटके में भरा, किसी ने घड़े में भरा। The point is हम सब अलग अलग सोचते हैं। हो सकता है कोई स्पून में भर के आ रहा होगा, हो सकता है कोई पॉट में भर के आ रहा होगा, हो सकता है कोई ड्रम में भर के आ रहा होगा। सबके व्यू पॉइंट्स अलग हैं, पर आपको अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है टू ड्रीम बिग, कि पानी भरना है तो ड्रम में भरो, छोटी छोटी चीजों में नहीं, बड़ा सा सोचो। जब आप ये दिखाएंगे, जब आप उन्हें ये सिखाएंगे कि बड़ा सोचो, बड़ा ड्रीम करो, बड़ा अचीव करो, इज व्हेन दे विल ट्राई टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स। नाउ अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं जीनियस आवर। अब आप मुझे बोलेंगे मैम हर टाइम ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास इतना टाइम हो कि हम उनको हर चीज को एक अलग तरीके से कराए, हमें अपना सिलेबस भी खत्म कराना है, हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी होती हैं एंड ये क्रिएटिविटी एंड इस सब में बहुत टाइम लगता है, तो हम कैसे स्टार्ट करें, विच इज अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। तो आप हफ्ते के एक दिन से स्टार्ट कर सकते हैं जिसके अंदर आप एक जीनियस आवर करके एक सेशन रखेंगे, और जीनियस आवर के अंदर दीज आर द स्मॉल रूल्स जो आप फॉलो करेंगे। इस टाइम पे आप क्लास में स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट देंगे या एक प्रॉब्लम देंगे जिसके अंदर उनको वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। इस प्रॉब्लम के अंदर ये प्रॉब्लम जो होगी वो पर्पस ड्रिवन होगी, जैसे हमारी सिटी के अंदर कितनी ट्रैफिक लाइट्स हैं। अब इसके अंदर आपको सोचना है, यू हैव टू कम अप विद योर ऑथेंटिक व्यूज, आपको इंक्वायरी एंड रिसर्च करनी है, अपना माइंड क्रिटिकल थिंकिंग लगानी है। इट इज स्टूडेंट सेंटर्ड, उनके ग्रुप्स बना दीजिए कि आप बताओ कि हम इसको किस डिफरेंट अप्रोच से अप्रोच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो इस तरह का एक सेशन हफ्ते में एक बार जरूर रखें जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग की पावर बढ़ेगी, उनको चीजों को सोचने का नजरिया बदलेगा एंड दे विल हैव मोर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो
क्वेश्चन उठता है कि अगर हमको क्लास को डिजाइन करना है, आई एम अ टीचर अगर, और मुझे स्टूडेंट्स के लिए एक क्लास डिजाइन करनी है कि इस तरह से मुझे अपना लेसन प्लान डिजाइन करना है, तो मुझे उसके अंदर क्या क्या डालना होगा? नंबर वन इज डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस. डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस का मतलब होता है इतने इजी क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स बहुत इजीली जिनका आंसर दे पाए. अगर आपकी क्लास 40 मिनट्स की है, सो आफ्टर एवरी 10 टू 15 मिनट्स आप इन क्वेश्चंस को डालिए. अब इनको डालने का मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि दिस विल कीप देम अलर्ट. स्टूडेंट से जब भी क्विज पूछी जाती है, सो दे कम इन अ वेरी कंपेटिटिव मोड, दे कम इन अ वेरी दे गेट इन्वॉल्व्ड इनटू इट, और इसी उससे उनका रिविजन भी हो रहा है. Now, design the class depending on the multiple intelligence. Multiple intelligence का मतलब है हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है. कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं, मतलब उन्हें कोई चीज देखकर समझ आता है, ज्यादा जल्दी समझ आता है. कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं जिनको कोई चीज सुनकर जल्दी समझ आता है. कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं, मतलब ऐसे लर्नर्स जिनको कुछ कर कर और फिर समझ आता है, एक्सपेरिमेंट्स करके या खुद से कोई चीज करके एक नए पर्सपेक्टिव को देखते हैं और तब उन्हें समझ आता है. तो आपकी क्लास में कौन कैसा लर्नर है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस तरह से अपने लेसन प्लान को बनाना है ताकि आप उन तीनों लर्नर्स को अच्छे से सर्व कर पाओ. क्योंकि एक टीचर का काम है कि सबको साथ लेके चलना. तो सबको कैसे साथ लें जब सब अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं? तो अगर आप डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं क्लास में, तो आप इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स बनाइए कि ऑल द काइनेस्थेटिक लर्नर्स एक तरफ हो, ऑल द विजुअल लर्नर्स एक तरफ हो, और विजुअल लर्नर्स के लिए आप कोई वीडियो दिखा सकते हैं उन्हें. ऑडिटरी लर्नर्स के लिए भी वीडियो चलेगा. काइनेस्थेटिक लर्नर्स को आप बोल सकते हैं कि इसमें से आपने क्या सीखा वो आप मुझे बताओ, यू नो. तो जब वो इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को, उस प्लेस पे रखेंगे, वो तब सीखेंगे. नाउ इन्वॉल्व मोर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स एंड स्टोरीज. जब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और स्टोरीज लेते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, तो वो बहुत आसान हो जाता है. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 5 साल के बच्चे को एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाए? मोना, मैं आपका क्वेश्चन एंड में जरूर लूंगी, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. ओके, तो क्या आप सोच सकते हैं कि 5 साल के बच्चे को कोई एस्ट्रोनॉमी पढ़ा सकता है? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं. मैंने रियल लाइफ में देखा है कि बच्चे कितनी जल्दी एस्ट्रोनॉमी के सारे कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प कर रहे होते हैं. पर पढ़ाने की टेक्निक थोड़ी अलग है, और वो टेक्निक क्या है कि आप उन्हें स्टोरीज के थ्रू बता रहे हैं. आप उन्हें यूज द नोन टू गेट टू द अननोन. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टूडेंट्स के अंदर उस टाइम पे क्रेज है फॉर एग्जाम्पल पेपा पिक का, तो मैं पेपा पिक के अराउंड कुछ ऐसी स्टोरी बना बना के और उसे एक नई डायरेक्शन में लेकर जाऊंगी. तो जब मैं ऐसा करूंगी, तो मैं क्या कर रही हूँ, जो उन्हें पता है उसके साथ अटैच कर रही हूँ जो उन्हें नहीं पता है. उससे जो उन्हें नहीं पता है भी, उसको भी वो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे. Now, avoid talking for long. मतलब monologues. बहुत ज्यादा लंबी लंबी स्पीच के अंदर अगर हम स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, चाहे हम उन्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वो समझ जाएं, बट वो नहीं लेंगे इसे, बिकॉज उनका अटेंशन स्पैन कम है. तो क्या आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि आपको इन चारों तरीकों में से कौन सा तरीका सबसे प्रैक्टिकल लगा, कि क्लास में आपको किस तरह से अपनी पूरी क्लास को डिजाइन करना चाहिए? जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा.
इन चारों तरीकों में से कि हम मोनोलॉग यूज नहीं करेंगे, हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे, या हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, या हम डायग्नोस्टिक क्वेश्चंस पूछेंगे, इनमें से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और आपको लगा कि ये तो हम जरूर अप्लाई करेंगे? नंबर फोर्थ, यस, एनीबडी एल्स? क्विज, वेरी गुड, थैंक यू. रियल लाइफ एग्जाम्पल, थैंक यू. सी, जैसे मैंने आपका अटेंशन ग्रैब कर लिया क्वेश्चन पूछ के, क्विज करके, एग्जैक्टली इसी तरह से आप भी अटेंशन ग्रैब कर लेंगे. नोन टू द अननोन, यस, वेरी गुड, थैंक यू. आप भी एग्जैक्टली इसी तरह से अटेंशन ग्रैब कर लेंगे अपने स्टूडेंट्स का. इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो यू हाउ क्विज विल मेक यू अलर्ट. Now let's come to hack for remote learning. अब हमें remote learning का मतलब है कि students दूर बैठे हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप एक environment create नहीं कर सकते हैं उनके लिए, not the bigger environment but screen पे create कर सकते हैं. तो उनको कैसे करें, हम कैसे उनको learn कराएं in the best way possible? Number one, and that is use project based approach. Project based approach का मतलब है ये ऐसे project नहीं है जिसको आप उनको देंगे और वो नहीं कर पाएंगे और वो सल्क करते रहेंगे, बट ये ऐसे प्रोजेक्ट है जो आप उन्हें देंगे जो इजी इनफ हैं और जो उनकी रियल लाइफ में अप्लाई होते हैं, और आप उन्हें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, तो आप एज अ सपोर्टर उनके पास हैं कि आपको जितने क्वेश्चंस पूछने हैं, जहां आप फॉल्टर कर रहे हो, आप हमारे पास आओ, क्वेश्चन पूछो, बट दिस इज समथिंग जो आपको करना है, राइट? नंबर सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्वॉल्व फिजिकल मूवमेंट. कॉन्सेंट्रेशन लेवल जब स्टूडेंट्स बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी ज्यादा देर के लिए, तो क्या होता है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो होता जाता है और थोड़ी देर में वैनिश हो जाता है. तो आपको क्या करना है, आपको बीच बीच में फिजिकल मूवमेंट भी इन्वॉल्व करना है, थोड़ी सी एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज मतलब कुछ ऐसी गेम्स इन्वॉल्व करिए जिसके अंदर उनका मूवमेंट हो, या बीच में 5 मिनट का ब्रेक दे दीजिए जब आपको लग रहा है सब डल हो रहा है, अभी कोई सुन नहीं रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ, या कोई उसका आंसर नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है. हो सकता है कि उन्हें फिजिकल मूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा एक ऐसे एनवायरमेंट में ज्यादा जल्दी सीखते हैं जहाँ पे फिजिकल मूवमेंट होती है. अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिस्ट मार्टी लॉपटिल, कि अगर आप बहुत लंबे समय तक बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऐसे डिप करता है, और हमें लगता है हमने 6 घंटे पढ़ाई करी बट एक्चुअली में हमारे माइंड में कुछ ज्यादा नहीं गया होता. सो अलाउ देम टू टेक स्मॉल ब्रेक्स इन बिटवीन द क्लास. नाउ अब एक टीचर का काम है कि वो क्यूरियस लर्नर्स बनाए. तो आपको क्या करना है, आपको क्लास के एंड में उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस उनको देने हैं जिससे कि वो घर जाके उसे एक्सप्लोर करें उस टॉपिक को, और डीपर में जाएं और जानना चाहें कि ऐसा क्यों हुआ, यू नो. तो हमेशा हम 60% लर्न करते हैं जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, 40% हम लर्न करते हैं जो हम एक्सप्लोर करते हैं अपने अराउंड चीजों से, राइट? तो आपको उन्हें बनाना है एक्सप्लोरर्स, आपको उन्हें बनाना है क्यूरियस लर्नर्स. तो जरूर आप ये कोशिश करें कि आप क्लास को एंड करने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस दें जिनके आंसर वो एक्सप्लोर करना चाहें. नाउ अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट उन्हें पढ़ा रहे हैं, एक्सक्यूज मी, कोई भी कॉन्सेप्ट आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को वो रियल लाइफ में अप्लाई करेंगे. ठीक है, कि अगर आज मैंने उन्हें फिजिक्स का कोई लॉ पढ़ाया है, तो मैं चाहूंगी कि उनको ये चीज समझ आए कि फिजिक्स का लॉ कहाँ कहाँ काम करेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Now we come to the big nose. ये वो चीजें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए.
ओके एंड दैट इज डू नॉट हैव वन साइडेड कॉन्वर्सेशन. सिर्फ टीचर बात कर रही है, स्टूडेंट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है कुछ बोलने के लिए, नॉट गुड. डू नॉट टॉक फॉर लॉन्ग, वी हैव कवर्ड इट. डू नॉट वेट फॉर द स्टूडेंट्स टू आस्क द क्वेश्चंस. अगर आपको लग रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, सो आपको क्या करना है, आपको ही वो इनिशिएटिव लेना है टू आस्क द क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स क्वेश्चन शायद नहीं पूछेंगे, पर आपको ये इनिशिएटिव बार बार क्लास में लेना है, मतलब नॉट टूवर्ड्स द एंड बट मिडिल में ही. आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, डू नॉट किल देयर क्यूरोसिटी. अगर वो कुछ जानना चाहते हैं पर आपके पास टाइम कम है, आप अभी नहीं बता सकते उन्हें, पर आप उनको क्लास के बाद बताइए, आप उनको उससे रिलेटेड मटेरियल भेजिए, आप उन्हें उसके बाद रिस्पॉन्ड करिए, या आप बोलिए कि आप अभी क्लास के बाद रुक जाइए, मैं आपको इसका आंसर दूंगी, तब तक जिसको जाना है वो जाए, जिसको आंसर सुनना है इसका वो स्टे करे. बट द पॉइंट इज, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है, अगर आपको नहीं आता उसका आंसर, तो आप बोलिए कि मैं इस पर रिसर्च करके और कल आपको बताऊंगी. You know, when you take interest in their extra knowledge is when they grow. Do not ignore the secrets of children not paying attention. Okay, so it should be signals. तो अगर आपको सिग्नल्स ऐसे मिल रहे हैं कि आप कुछ पूछ रहे हैं और वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, छोटे छोटे सिग्नल्स अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं, तो उन सिग्नल्स को इग्नोर मत करिए, उन सिग्नल्स पर वर्क करिए. हो सकता है कि आपकी अप्रोच अभी सही नहीं है, हो सकता है कि क्रिएटिविटी नहीं हो रही है, हो सकता है कि मैं टॉपिक को बहुत मुश्किल तरीके से समझा रही हूँ, तो उन सब चीज़ों पर ज़रूर वर्क करिए. और एक बार आप इन चीज़ों पर वर्क करेंगी तो स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी क्लास को अवॉइड करना चाहेंगे, वो हमेशा आपकी क्लास को अटेंड करना चाहेंगे और हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. और यही एक टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग करता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, मिस्टेक करने से नहीं डरते हैं, उनको बोलने की प्रॉपर पावर है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स कभी मिसबिहेव नहीं करते हैं. दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग देयर टीचर्स बिकॉज द टीचर्स आर गिविंग देम good space to explore. So now we can take the questions. Yeah. So Nikita, that was really crisp, and the suggestions and ideas shared by you, I believe hamare kafi teachers bhi chat section pe share kar rahe the ki jo ideas share kiye ja rahe hain session ke dauran, aur wo साथ साथ उनसे क्या जो मेथड टीचर्स हमारे अपने ऑनलाइन क्लासरूम्स में फॉलो कर रहे हैं वो किस तरह से काफी हद तक अलाइनमेंट में है. सो इट्स रियली गुड टू सी दैट हमारे टीचर्स आर ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स इन देयर क्लासरूम्स. और किस तरह से हमने आज देखा यहाँ पर कि बच्चों को एक लिसनर की तरह वर्चुअल क्लासरूम्स में नहीं रखना चाहिए, उनका इन्वॉल्वमेंट जो है क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें समझ आ सके कि वो बोर ना हो या उन्हें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है. बिकॉज बहुत बार हमारे पास ये चैलेंज आता है कि कुछ बच्चे शाय होते हैं, राइट, वो इतने इजीली कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्लासेस में. ऑन दी अदर हैंड कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि वो किसी और को बोलने का मौका नहीं देना चाहते. सो इस तरह से एज टीचर्स हमें इन एक्टिविटीज के माध्यम से, जैसे हमने इल्यूजन की बात करी या काफी टीचर्स ने क्विजेस को शेयर किया, प्रोजेक्ट्स को शेयर किया, जब हम इस तरह के और जैसे निकिता मैम ने पोलिंग के बारे में भी बात करी, तो जब हम इस तरह के कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज को अपने वर्चुअल क्लासरूम में इंक्लूड करते हैं, तो उससे बच्चे जो है उनको इंकरेजमेंट मिलता है कि अच्छा दिस इज वेरी फन. ये हम खाली, जैसे मैम ने बोला कि एक मोनोलॉग नहीं होना चाहिए, तो काफी बार ऐसा लगता है कि हम अपने आप से ही बात करे जा रहे हैं. जब एक ही वॉइस हम बहुत देर तक सुनते हैं, तो हमने बहुत बार देखा है कि बच्चे अपनी डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं, स्पेशली जब हम छोटे बच्चों की बात करें तो. सो थैंक यू टू ऑल आर टीचर्स कि उन्होंने काफी सारे सजेशंस शेयर करे. तो निकिता, यहाँ पर हमारे पास कुछ टीचर्स के कुछ सवाल भी आए थे. जैसे इंदु मैम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था यहाँ पर हमसे,
या इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन देम ऑल एंड रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ देम दे बिकम अपसेट एंड इनएक्टिव. जब हम बच्चों के सारे सवालों को या उनके सारी क्वेरीज को एक ही बारी में नहीं कर सकते तो बच्चे थोड़ा सा अपसेट हो जाते हैं. दे फील डिसअपॉइंटेड कि अरे हमारी बात तो सुनी नहीं मैम ने. सो इस तरह के चैलेंज को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं? तो जब हमारी क्लास होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है 50 मिनट्स की, तो 50 मिनट्स को हम इस तरह से एलोकेट करें कि जिसके अंदर फर्स्ट 40 मिनट्स या 30 मिनट्स हम टीच कर रहे हैं और एंड में हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं. तो जो एंड में हम क्वेश्चंस ले रहे हैं जिस उसके अंदर हर स्टूडेंट को चांस मिलेगा क्वेश्चंस को पूछने का. इट्स जस्ट दैट दे हैव टू होल्ड ऑन टू देयर क्वेश्चंस. जब उनके माइंड में आए तो उसको वो लिख ले, पर एंड ऑफ द क्लास दे कैन शेयर द क्वेश्चंस एंड टीचर्स कैन टेक ऑल द क्वेश्चंस. And believe you me, it is very, very important. I know teachers के लिए थोड़ा extra effort है, हो सकता है class extend भी हो जाए for 5 or 10 minutes, but ये छोटा सा gesture आपके students की personality पे बहुत deep impact छोड़ता है. Because I have seen students जिनके questions को answer किया जाता है, they feel so confident. Ma'am ने मेरा question सुना, ma'am ने मेरे question का answer दिया, so they feel very very confident. So make sure कि आप वो 10 minute ज़रूर extra invest करें जिसके अंदर आप उनके questions को answer करें. All right. यहाँ पर निकिता एक और टीचर का सवाल था, मोना मैम का. मैम ने ये क्वेश्चन पूछा था कि व्हेन वी आस्क एवरी वेरी इजी क्वेश्चन देन ऑल स्टूडेंट्स अनम्यूट देयर माइक एंड वी फेस द डिसिप्लिन प्रॉब्लम. तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने सेशन के दौरान भी डिस्कस किया था कि बच्चों जब हम उनसे कुछ भी बहुत इजी पूछते हैं तो सब एक्साइटेड होते हैं कि बिकॉज हमें आंसर पता है एंड आई शुड गिव द आंसर फर्स्ट. सो हाउ शुड वी टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डिसिप्लिन इन सच केसेस? ओके, सो जैसे मैंने कुछ क्लासेस के अंदर देखा है, वर्चुअल क्लासेस के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि टीचर्स कुछ बहुत इंटरेस्टिंग करती है, मे बी लाइक अ व्हील जिसके अंदर सब स्टूडेंट्स का नाम लिखा हुआ है. तो एक क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन के अंदर व्हील जिस पे रुकेगा वो ही आंसर देगा उसका. या टीचर विल कॉल आउट कि अभी सिर्फ आप आंसर दोगे, और एक बार किसी ने आंसर दे दिया उसके बाद यू कैन अलाउ एवरीवन टू स्पीक, क्योंकि सबको लग रहा है ना कि हम भी क्लास में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हमें आंसर पता है तो हमें क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है. तो एक बार आपने जिससे पूछा है उसने आंसर दे दिया, उसके बाद यू कैन अलाउ एवरीवन टू गिव द आंसर. राइट निकिता, वी हैव एन अदर क्वेश्चन ओवर हियर. आदित्य जाधव जी इज आस्किंग दैट इफ समटाइम्स टीचर्स कांट कंट्रोल एनी स्टूडेंट्स बियॉन्ड ऑल हर एफर्ट्स एंड यू नो देयर इज अनदर सिमिलर क्वेश्चन व्हिच वी वुड लाइक टू क्लब दैट कि डिसिप्लिन का जो इशू है अपार्ट फ्रॉम यू नो चिल्ड्रन वांटिंग टू आंसर एट वंस, एज वी वर डिस्कसिंग अर्लियर आल्सो दैट देयर आर अ लॉट ऑफ नोटोरियस स्टूडेंट्स आल्सो, राइट? सो विदाउट ऑफ लाइक इन स्पाइट ऑफ द टीचर्स रिपीटेडली कॉलिंग देम यू नो टू स्विच ऑन देयर कैमरा, स्विच ऑन देयर माइक्स, एंड जिसकी वजह से यू नो द एंटायर डेकोरम ऑफ द क्लास इज समटाइम्स डिसरप्टेड. सो उस प्रॉब्लम के ऊपर वी वुड लाइक यू टू यू नो शेयर सम सजेशंस विद आवर टीचर्स. जैसे हमने ये जरूर देखा है कि अगर सबसे नॉटी स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जाए तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है. ओके, तो इधर भी आपको कुछ ऐसी ट्रिक खेलनी है कि आपको जो बहुत नोटोरियस बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस उसी से पूछिए, सबसे पहले आप उसको इन्वॉल्व करिए. तो कई बार क्या होता है ना, व्हेन स्टूडेंट्स डोंट गेट अटेंशन, सो दिस इज द वे टू कैच अटेंशन. टीचर की अटेंशन कैसे कैच की जाए, कैसे कुछ अलग करूं कि टीचर मेरे पे ध्यान दे. तो अगर आपने उसे उसको अटेंशन दे दी इन फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कहीं टाइम पे वो हैंडल हो जाते हैं, नंबर वन. नंबर सेकेंड, अगर वो ऐसे भी हैंडल नहीं होते तो आपको वन ऑन वन उनसे बात करनी है आफ्टर द क्लास टू अंडरस्टैंड वॉट इज देयर प्रॉब्लम एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम. नंबर थर्ड, क्रिएट अ स्ट्रक्चर. अगर किसी ने उस स्ट्रक्चर को नहीं फॉलो किया, सो यू हैव टू गिव देम सम वार्निंग्स दैट दे विल मे बी नॉट बी अलाउड इन द क्लास और दे विल बी ऑन म्यूट और समथिंग, सम स्मॉल लिटिल पनिशमेंट विच शुड नॉट रियली अफेक्ट देम इन द लॉन्गर रन, बट विच शुड यू नो जस्ट ब्रिंग द एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन इन देम. राइट, मूविंग अहेड निकिता, वी हैव अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट जब हम यहाँ पे ग्रेड डिविजन की बात करते हैं, राइट, दैट
sometimes different types of problems comes up with, you know, primary students. There are a different set of challenges with secondary, higher secondary students also. So is tarah ki activities and energizers can be used, you know, with all age groups and with all the grades, and like teachers would want to know more about it ki hum is tarah ke energizers agar bade bachcho ke sath bhi use kare, so unko bhi kya is tarah se thoda sa, you know, involve kiya ja sakta hai, ya unke liye bhi classroom ko thoda sa aur interesting banaya ja sakta hai, and can we also, you know, tackle the issue of discipline with them? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन. सो तो क्या करना होगा कि एनर्जाइजर्स हर स्टूडेंट को बहुत पसंद है, ठीक है, बी इट अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट और अ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट. अब जैसे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा, यू बीइंग टीचर्स वर सो प्रॉम्प्ट एंड गेव मी द आंसर्स, तो अगर आप क्विजेस को इतना इंजॉय कर रही हैं तो इमेजिन करिए कि स्टूडेंट्स कितना इंजॉय कर रहे होंगे, राइट. तो हर स्टेज पर, हर ग्रेड पर क्विजेस इज समथिंग जो सबसे ज्यादा वर्क करता है. नंबर सेकेंड, जितना वो इन्वॉल्व रहेंगे उतना वो मोटिवेटेड रहेंगे, तो दिस इज जस्ट द वे टू इन्वॉल्व देम. प्राइमरी के अंदर क्या होगा कि आपको थोड़े और एफर्ट करने होंगे टू ब्रिंग देयर अटेंशन, सेकेंडरी में शायद वो एफर्ट्स थोड़े से कम हो जाएंगे आपके. राइट राइट. So this is a very nice thing that we have been discussing in the session also, ki understanding the behavior, the learning style of the students is also very important. जब हम अपने क्लास की, जब हमने एनाटॉमी के बारे में बात करी थी कि जब हम अपनी क्लास को प्लान करते हैं और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वट एवर एनर्जाइजर्स, वट एवर एक्टिविटीज वी प्लान, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपके स्टूडेंट्स के बिहेवियर से थोड़े अलाइनमेंट में हो. So that because our teachers know their students well, right? हम उन्हें, उनके साथ वो interact करती है, they know about them कि कौन सा बच्चा ज्यादा shy है, कौन सा बच्चा ज्यादा active है, inactive है, इस तरह से. So it is always better that we create certain activities or we plan our classes as per the behavior patterns of our students also. So so as we are talking about energizers, Nikita, there is another question ki hum bachcho ko energetic kaise banaye. Jaise Seema ma'am wants to know ki ab jaise bahut lambi class chal rahi hai, especially humne dekha hai ki afternoon mein koi classes hoti hai, post lunch agar hum baat kare to bacche thode zyada sleepy hote hai after that lunch wala thing, so un us cases mein bhi hum bachcho ko energetic zyada kaise bana sakte. Okay, thank you for the question. To kya hota hai ki जब आप क्लास ले रहे हैं 45 मिनट्स की, तो आपको ना डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करने हैं उस क्लास के अंदर. हो सकता है कि एक नॉर्मल तरीके से वो नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना है, डिफरेंट टूल्स लाइक फ्लैश कार्ड्स. आपको आज उन्हें एक्टिविटी देनी है कि मैं आपको ये करा रही हूँ, बट यूजिंग फ्लैश कार्ड्स, बट यूजिंग स्केच नोट्स, बट यूजिंग समथिंग और दी अदर. बहुत सारे पढ़ाई करने के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होते हैं. नंबर सेकेंड, जब आपको ऐसा लगे, हमेशा अपनी क्लास से पहले कुछ फिलर्स तैयार करके रखें, एज इन जिससे कि आप क्लास को इंटरेस्टिंग करा सकते हैं, कि जब भी आपकी क्लास का लेवल ऐसे नीचे जाने लगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग कराना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइमरी स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं और उनको बहुत बोरिंग लग रहा है, दे डोंट वांट टू सिट, सो मे बी बीच में मैं एक स्कैवेंजर हंट कर दूंगी कि आपको अपने घर से ये ढूंढ के लाना है, और समथिंग जिस टॉपिक से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू द टॉपिक. इफ यू आर स्टडिंग कलर्स, तो समथिंग फाइव ग्रीन थिंग्स, फाइव ब्लू थिंग्स, वो हुआ एक प्राइमरी लेवल के लिए. सेकेंडरी के लिए भी वी कैन प्लान सर्टेन थिंग्स, डिफरेंट टूल्स जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं. वो टूल्स को हम अप्लाई करेंगे क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जिससे वो एनर्जेटिक हो जाएंगे. एंड मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था कि वी कैन इंक्लूड सम फिजिकल मूवमेंट. यू गिव देम 5 मिनट्स कि जस्ट हैव सम फिजिकल मूवमेंट एंड देन कम, गो वॉश योर फेस एंड देन कम. दिस विल मेक श्योर कि उनकी एनर्जी वापस आ जाए. या कुछ चैलेंजिंग टास्क दे दो जो उनको बहुत पसंद हो, तो वो सब चीजें करके आप उनकी एनर्जी को वापस ला सकते हैं. यू कैन मेक देम मोर एनर्जेटिक. Right, Nikita. So these were actually pretty helpful, you know, suggestions. Jo I'm sure teachers is tarah ki different activities ko, physical activities ko, apne online classroom mein, online teaching mein agar incorporate kare, to ye jo hamara problem hai bachcho ki boredom ka ya unka concentration level drift away hone ka, I think we can tackle it. But yahan par phir se we would like to reinforce that
डिफरेंट चाइल्ड का डिफरेंट तरीका होता है, यू नो, वो डिफरेंट चीजों को डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं उसपे. तो जैसे हमने जीनियस आर वाले सी से आप कैसे पानी कलेक्ट करेंगे, इसमें भी सबके बहुत डिफरेंट आंसर्स आए थे कि वो बॉटल में कर रहे हैं या शेल में कर रहे हैं. सिमिलरली जैसा कि निकिता मैम ने भी हमारे साथ शेयर किया कि पर्सपेक्टिव जो है किसी भी चीज को देखने का वो काफी डिफरेंट होता है, वैसे ही बच्चा किस एक्टिविटी को कैसे रिएक्ट करेगा तो वो डिफरेंट होता है. सो हेयर वी आर नॉट ट्राइंग टू से कि आप हर बच्चे के लिए एक सेपरेट सेट ऑफ एक्टिविटीज बनाएं, बट यू कैन ट्राई टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ और लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एनर्जाइजर्स और एक्टिविटीज व्हाइल प्लानिंग योर क्लासेस. सो या निकिता, सो दीज वर अ प्रीटी नाइस क्वेश्चंस बाय आर टीचर्स, जिन्होंने अपने काफी अच्छे तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउट्स हमारे साथ पूछे. इसी तरह से अगर हमारे टीचर्स के और कोई सवाल है, सो वी वुड लाइक टू टेक देम. यहाँ पर एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी निकिता, मोटिवेशन से रिलेटेड था. एंड मोटिवेशन स्पेशली जब हम होमवर्क की भी बात करें, तो वहां पर ऐसा होता है कि अच्छा टीचर्स ने क्लास में तो बोल दिया है, बट नाउ वी आर आउटसाइड दैट स्पेस. सो अब वो होमवर्क कैसे कराया जाए, तो इसमें एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर भी हमारे एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा था कि टू मेंटेन दिस वो हम किस तरह से कर सकते हैं. सो हाउ वी मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द क्लासेस एंड डू द होमवर्क प्रॉपरली. ओके, तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह का होमवर्क दे रहे हैं. क्या हम इस तरह का होमवर्क दे रहे हैं कि जिसके अंदर उनको बहुत ज्यादा अपनी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, बट एक स्टूडेंट करेगा, बाकी सब कॉपी करेंगे और एग्जैक्टली सेम कॉपीज को टीचर देखेंगी और सेम आंसर सबके देखेंगी. होमवर्क को लेट्स मेक इट लिटिल चैलेंजिंग, लेट्स मेक इट लिटिल डिफरेंट, लेट्स मेक इट लिटिल इंटरेस्टिंग, जिसके अंदर अगेन वी विल गेमिफाई व्हाट वी हैव टॉट देम इन द क्लास. तो जब हम उन्हें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में होमवर्क देंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपने लास्ट सेशन के अंदर बात करी थी कि मुझे अगर मिसिंग वर्ड ढूंढना है तो मैं बोलूंगी कि यू आर अ डिटेक्टिव, यू हैव टू फाइंड दिस. ओके, और यू आर दिस, यू हैव टू डू दिस. और अगर आपको सोलर सिस्टम करना है तो सोलर सिस्टम हम बनाएंगे, सोलर सिस्टम के अंदर आप क्या क्या चीजें डाल सकते हो. मतलब होमवर्क शुड बी, होमवर्क का बेसिक मतलब क्या है कि एक बार रिआइटरेशन हो जाए जो आपने स्कूल में पढ़ाया है. तो वो रिआइटरेशन इजी क्वेश्चन से भी हो सकता है, वो रिआइटरेशन मुश्किल क्वेश्चन से भी हो सकता है. स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस और धीरे धीरे जब आपको लगे कि आपके स्टूडेंट्स का लेवल मतलब बेटर होता जा रहा है, तब आप उन्हें डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे लाएं. स्टार्टिंग से अगर आप उन्हें सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस देंगे तो वो कभी होमवर्क नहीं करके आना चाहेंगे. सो आई या आई गेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने क्लास के हर एस्पेक्ट को बच्चों के नजरिए से भी थोड़ा सोचने की कोशिश करें. अगर हमें पता है कि बच्चे लेंथी क्वेश्चंस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और दे फील बहुत ही उन्हें बोरिंग लगता है कि हमें इतने बड़े बड़े आंसर्स दिखने पड़ रहे हैं, सो वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विद और मे बी वी कैन ट्राई टू कीप अ कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स. आपने कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रख लिए अपने होमवर्क में, या एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड होमवर्क स्टाइल रख लिया. सो इस तरह से आज के सेशन में हमने काफी डिफरेंट तरीके से जाना कि क्लास की प्लानिंग से लेकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एक्टिविटीज विच वी कैन यूज एज एनर्जाइजर्स इन आर ऑनलाइन क्लासेस, ताकि बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ड्रिफ्ट अवे ना हो. तो थैंक यू सो मच निकिता कि आपने आज हमें इस सेशन में इतने डिफरेंट तरीके से, इतनी अमेजिंग, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो आई एम श्योर कभी कभार हम सोचते भी नहीं है एज टीचर्स कि अच्छा इस एस्पेक्ट को भी हम कवर कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम सोच सकते थे. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड शेयरिंग सच वंडरफुल आइडियाज विद आर टीचर्स. सो एंड थैंक यू टीचर्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आर सेशन ऑल्सो. या सो आगे सेशन के अंतिम दौरान पे हम आ चुके हैं, और हम आगे जाने से पहले, या निकिता Yes, I लाइक was just saying thank you so much to all the teachers जिन्होंने इतने अच्छे से participate किया, इतने interesting questions पूछे. I hope कि ये session आपके लिए useful रहा हो. Thank you. जी निकिता, थैंक यू वंस अगेन. एंड डियर टीचर्स, वी वुड लाइक टू
डिस्कस विद यू एंड वीड लाइक टू शेयर यू दैट, क्योंकि आज के सेशन में हमने एनर्जाइजर्स की बात करी है, तो ऐसे ही कुछ एनर्जाइजर्स, कुछ ऐसी एक्टिविटी आइडियाज आपको गुरुशाला के मॉड्यूल्स में मिलेंगे. सो आइए क्विकली लेट्स टेक अ लुक एट इट एंड सी कि हम उन मॉड्यूल्स को किस तरह से कर सकते हैं. सो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर गुरुशाला का होम पेज है, जिसे आप गुरुशाला.co पर जाकर एक्सेस कर सकते हैं. एंड आई हैव लॉग्ड इन थ्रू माय गूगल आईडी. सो होम पेज पर हमने देखा है कि पहला विकल्प जो है हमारे सामने वो है कोर्स मॉड्यूल्स का. सो वंस वी क्लिक देम, हमारे सामने डिफरेंट इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स आर विजिबल. सो बिकॉज इन टूडेज सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जाइजर्स, सो आप यहाँ पर एनर्जाइजर्स एज अ कीवर्ड भी टाइप कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन स्क्रोल डाउन एंड देर आर सर्टेन मॉड्यूल्स अवेलेबल जो आप एनर्जाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं अपने क्लास के शुरू में, क्लास के एंड में. सो व्हेन आई टाइप दिस कीवर्ड ऑफ एनर्जाइजर्स, मेरे सामने दो मॉड्यूल आते हैं, एनर्जाइजर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास, एनर्जाइजर्स टू बिगिन द क्लास. सो जब हम इस तरह के एनर्जाइजर बात कर रहे हैं कि जब बच्चों को हम वो एनर्जी जो बच्चों की हमें बहुत लो लगती है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस समटाइम्स, तो वो एनर्जी हम रीगेन कैसे करवाए, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो किस तरह से बरकरार रखे, तो इस तरह के कुछ मॉड्यूल्स अवेलेबल है जिसे आप करके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इन एडिशन टू दिस सेशन, आप और एक्टिविटीज के बारे में जान सकते हैं. सो जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद हम इस एनरोल फॉर फ्री ऑप्शन पे जाते हैं, जिससे हम उस मॉड्यूल में एनरोल कर लेते हैं. तो जब आप स्क्रोल डाउन करके नीचे देखेंगे तो आपके इस मॉड्यूल को बिगिन करने के आपके पास ऑप्शन आएंगे. तो हम रिलेट की अगर इंट्रो वीडियो देखें तो वो कुछ इस प्रकार से होगी, जिसमें हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात की जाती है. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग प्रीति मैम. हाउ वाज योर फर्स्ट पीरियड? As usual, the first periods are a struggle. Students return from morning assembly. They keep on talking with each other. It takes almost 15 minutes to bring their attention back to class. This hampers the class time and my lesson plan. Yes, this is a common problem among teachers, even with me. So all of us are facing similar problems. What should we do about it? Well, if you remember our last training, we did some activities in between the sessions. Should we prepare a strategy on the basis of that to address our problem? Two of them took out their notes of the last training they attended and started preparing a strategy and some activities which can help them to bring their students' attention to class. In the next section, we will see what the teachers have planned for themselves. So yeah, यहाँ पर जैसे इस मॉड्यूल में हमने देखा कि इस टीचर्स जो टीचर थी हमारी, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है, बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो किस तरह से हम रख सकते हैं. तो यहाँ पर मैम ने काफी डिफरेंट आइडियाज शेयर करें जो आप नेक्स्ट सेक्शन में, यानी एक्सप्लोर के सेक्शन में पाएंगे. सो वी वुड रिक्वेस्ट यू, वी वुड एनकरेज यू ऑल टू एनरोल योरसेल्फ्स इन दीज कोर्स मॉड्यूल्स. अगर आप और एनर्जाइजर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्लास के शुरू में, क्लास के अंत में, और स्पेशली जब हम वो लंच पीरियड की बात करते हैं कि लंच के टाइम के बाद जब बच्चे आते हैं, तो उनको उस क्लास के माहौल में वापस कैसे लाया जाए, इस तरह के कुछ मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं. और हम इन्हें आपके साथ चैट सेक्शन पे भी शेयर कर रहे हैं. आप इन मॉड्यूल्स का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच डियर टीचर्स. और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉड्यूल के लिंक के साथ साथ हमने अटेंडेंस फॉर्म का लिंक भी शेयर किया है, जो साथ ही साथ आपके चैट सेक्शन में भी शेयर किया जाएगा. सो आप अटेंडेंस फॉर्म फिल करना ना भूलें, ताकि आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिले फॉर दिस सेशन. वंस अगेन थैंक यू सो मच डियर टीचर्स फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज संवाद. एंड वी वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू एक्सप्लोर दीज मॉड्यूल्स, टू अंडरस्टैंड, टू लर्न मोर अबाउट एनर्जाइजिंग एक्टिविटीज विच कैन बी यूज इन योर ऑनलाइन टीचिंग. Until then, stay safe and happy teaching. Thank you once again.